हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आप में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन आप ना उस स्तर की सफलता को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी बुक्स पढ़ी, बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड किया, आपको लगा था कि वो बुक से जो नॉलेज मिलेगी, ट्रेनिंग से नॉलेज मिलेगी, उसको एग्जीक्यूट करके तो आप अपने फील्ड के बिल्कुल शाहरुख खान बन जाएंगे, लेकिन शाहरुख खान तो क्या, आप तो जाने लीवर भी नहीं बन पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे भी करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन जैसी, एक जो भी परफॉर्मर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो सेलिब्रिटी क्लास के लोग होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उतनी बड़ी सक्सेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप में वो काबिलियत है, आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं पता है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो आपको अगर पता चल जाए, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले तो आप उतनी बड़ी सफलता अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अंत तक देखिए ताकि आप इसे पूरा समझ सकें। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट, मैं आज आपको 5 वो आस्पेक्ट बताऊंगा जिस पे वर्क करके आप एक लीजेंडरी सक्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ 100% एश्योरिटी एंड गारंटी। फैक्टर नंबर 1 इज द सेल्फ इमेज। सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी जो भी थिंकिंग होती है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी होती है, जो भी आपके एक्शंस होते हैं, जो भी आपके रिजल्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सेल्फ इमेज के प्रोपोर्शनेट होती हैं। तो जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करना है। फैक्टर नंबर 2, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना होगा। हमारे जो बिलीफ हैं वही हमारी लाइफ में रियलिटी को क्रिएट करते हैं। हम लोग की जो लाइफ होती है, हम लोग की लाइफ की जो इंच बाय इंच रियलिटी होती है, वो हमारे बिलीफ के रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके बिलीफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके आप इस जो लीजेंडरी सक्सेस है, आप उसके दूसरे सीढ़ी पे जा सकते हैं। जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं, और जो स्ट्रगलर होते हैं उनके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग होते हैं। एक स्ट्रगलर के बिलीफ सिस्टम से आप बड़ी सक्सेस कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने बिलीफ को ट्रांसफॉर्म कर लें, अगर आप उसे चेंज कर लें, तो आपकी जो बड़ी सफलता होती है, जो बड़ी सक्सेस है, वो 100% इंश्योर हो जाती है। फैक्टर नंबर 3, आपको अपनी हैबिचुअल थिंकिंग पे वर्क करना होगा। दिन भर आपकी थिंकिंग क्या होती है, वही आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है, वही आपके आने वाले कल को डिसाइड करती है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी हैबिचुअल थिंकिंग क्या होती है, आपकी अनकॉन्शियस थिंकिंग क्या होती है, दिन भर आप सोचते क्या हो। वो जो सोच होती है वो आपके लाइफ को, आपके मोमेंट्स को, आपकी सक्सेस को डिफाइन करती है। तो आपको उसकी क्वालिटी इन्हांस करनी होगी। कैसे हमारी थॉट की क्वालिटी इन्हांस होती है? जितना हम लोग लर्निंग करते हैं, उतना हम लोग की जो थॉट की क्वालिटी है वो शिफ्ट होती जाती है। और थॉट की क्वालिटी कभी कभी अच्छा सोचने से नहीं होगा, आपकी पूरी जो हैबिचुअल थिंकिंग है वो एक अलग स्तर पे जानी चाहिए, वो बहुत बेहतर स्तर पे जानी चाहिए। वो जिस स्तर पे होगी उस स्तर की आप सक्सेस प्रोड्यूस करेंगे। फैक्टर नंबर 4, आपका प्रेजेंट मोमेंट में आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी फीलिंग कैसी है, आपका स्टेट कैसा है, इसको आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है। आपको हमेशा एक हाई स्टेट में रहना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल है, लेकिन जो बड़ी सक्सेस होती है वो प्रैक्टिकली मुश्किल ही होती है। आपको हमेशा अपनी इन दो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई थॉट, व्हाट इज़ माई स्टेट, इसको आपको हमेशा एक हायर लेवल पर रखना है। एंड देन फैक्टर नंबर 5, इसको बोलते हैं इमेजेस या लॉ ऑफ इमेजेस। देखिए फ्रेंड्स, हमारे माइंड में ना हमेशा कुछ थॉट्स चल रही होती हैं, हमेशा कुछ इमेजेस चल रही होती हैं। जिस तरह की इमेजेस हम लोग अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं, उसी तरह की सिचुएशन हम लोग की लाइफ में आने वाली है। तो अगर आप एक बेहतर सिचुएशन चाहते हैं, तो आपको अपने मेंटल इमेजेस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक सफलता के रास्ते पे जाते हैं, अगर आप पहले बताई गई चारों बातों पे वर्क करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो आपके ब्रेन के इमेजेस चेंज करते हैं। हमारे माइंड में जो इमेजेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर की हमें झलक देते हैं। तो आप अपने मेंटल इमेजेस पे वर्क करके आप एक बड़ी सफलता को इंश्योर कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 फैक्टर शेयर किए हैं। ऐसे ही 5 और फैक्टर्स हैं, वो 10 मिलके आपकी 100% सक्सेस को इंश्योर करते हैं।
जो बाकी जो पांच फैक्टर है उनको भी जानने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देंगे। आपकी सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के लिए मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, लेकिन केवल मेरे एफर्ट्स करने से नहीं होगा, आपको भी एक्शन करना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स करना पड़ेगा। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट में शेयर कीजिए, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम लोग इस पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप हमारे हेल्पिंग हैंड बनिए। बहुत बहुत थैंक यू।